मामा टीवी। बांस की बनी मोटरबोट। बिलासपुर गांव झील के किनारे बसा एक बहुत ही प्यारा गांव था। वहां की झील चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है। उस झील में मोटरबोट में सैर करने का आनंद ही अलग है। बिलासपुर गांव में सुंदरलाल नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। सुंदरलाल का एक बेटा था मोनू। वो भी अपने पिता की तरह पैसों का बहुत घमंड करता था। सुंदरलाल मोनू को बड़े महंगे महंगे खिलौने लाकर देता था। एक दिन मोनू ने सुंदरलाल से कहा, पिताजी पिताजी, मुझे भी मोटर बोट चाहिए। हाँ हाँ बेटा, जरूर मैं तुझे एक अच्छी सी मोटर बोट लाकर दे दूंगा। और सुंदरलाल मोनू को एक मोटर बोट लाकर दे देता है। मोनू अपनी मोटर बोट लेकर झील में जाता है। सभी बच्चे उसकी मोटर बोट देखकर हैरान हो जाते हैं। मोनू की मोटर बोट देखकर करमू मल्लाह का बेटा उसके पास आया और मोनू से कहने लगा, मोनू मोनू, हमें भी अपनी मोटर बोट में बिठाओ ना। अरे नहीं नहीं, दूर हटो, मेरी मोटर बोट को गंदा मत करो। मोनू की यह बात जुगनू को बहुत बुरी लगी और वो रोते रोते घर गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी मुझे भी मोटर बोट चाहिए। तभी वहाँ बैठे जुगनू के चाचा बोल पड़े, अरे क्या हुआ जुगनू बेटा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी नाव जो है। नहीं चाचा जी, मुझे नाव नहीं चलानी है, मुझे मोटर बोट ही चाहिए। ये सुनकर जुगनू के चाचा ने कहा, अच्छा ठीक है, करते हैं तेरी मोटर बोट का इंतजाम। जुगनू के चाचा का दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने जुगनू के लिए एक बांस की मोटर बोट बनाई और उसमें उन्होंने सौर ऊर्जा का इंतजाम किया। जुगनू की मोटर बोट बांस की बनी थी और वो सौर ऊर्जा से चलती थी। जुगनू जब अपनी मोटर बोट लेकर झील में गया तो सभी लोग देखकर हैरान हो गए। ये देखकर मोनू को बहुत गुस्सा आया और उसने जुगनू से कहा, अच्छा जुगनू, तू भी मोटर बोट ले आया, चल एक रेस हो जाए। जुगनू ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मोनू और जुगनू की मोटर बोट की रेस होने लगी। जुगनू की मोटर बोट बांस की बनी थी, इसलिए हल्के होने के कारण और सौर ऊर्जा के कारण वो तेजी से आगे निकल गई और जुगनू जीत गया। जुगनू की जीत से मोनू को बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन जीतने के बाद जुगनू ने मोनू से कहा, मोनू मेरे दोस्त, मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सुनकर मोनू ने जुगनू से हाथ मिलाया और दोनों गले मिले। जुगनू मुझे माफ कर दो, और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ऑटो ट्रेन। सुंदरपुर नाम के एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 500 साल पुराना एक बड़ा मंदिर था। उस चारित्रिक मंदिर को देखने बहुत सारे लोग हर रोज वहां पर आते थे। उन यात्रियों को मंदिर तक पहुंचाने के लिए उस गांव में सिर्फ दो ही ऑटो वाले थे। एक का नाम था गंगाधर और दूसरे का नाम था दामोदर। गंगाधर बहुत परिश्रमी और नेक आदमी था। दामोदर को उसे देखकर बहुत जलन होती थी। इस गांव में सभी गंगाधर के ऑटो ही चढ़ रहे हैं। ये दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर रहा है। कुछ ना कुछ करके इसको मजा चकाना चाहिए। एक दिन जब गंगाधर और दामोदर ऑटो स्टैंड पर थे, जॉन करके एक आदमी आया और ऐसा बोला, क्या आप गंगाधर हैं? आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप बहुत अच्छा ऑटो ड्राइवर हैं। मेरा एक कंपनी है जिसका नाम है गोला। ये एक ऑटो ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अगर आप हमें 5 लाख रुपए देंगे तो हम आपको 10 ऑटो देंगे, जिससे हम दोनों को मुनाफा होगा। 5 लाख में 10 ऑटो, ये तो अद्भुत है। मैं कल ही आपको 5 लाख दे दूंगा, हम आज ही एग्रीमेंट कर लेंगे। ऐसा बोलकर गंगाधर और जॉन एग्रीमेंट कर लेते हैं और अगले ही दिन गंगाधर 5 लाख रुपए भी देता है। कुछ दिन के बाद 10 ऑटो एक बड़े ट्रक में डिलीवर हो जाते हैं। जब गंगाधर ने ऑटो को देखा तो हैरान हो जाता है। अरे देवा रे देवा, इन ऑटो में इंजन ही नहीं है,
लगता है ये जॉन की कंपनी नकली कंपनी है। ऐसा चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। गंगाधर को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। गंगाधर की पत्नी और बेटा उसकी खूब देखभाल करते हैं। कुछ महीने के बाद फिर से वह घर आता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का सारा कमाई बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास 10 ऑटो भी हैं बिना इंजन के। तभी गंगाधर उसके बेटे को एक ट्रेन से खेलते हुए देखता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आती है। अगले ही दिन उन सारे ऑटो को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और एक मिनी ट्रेन के इंजन से उन सारे ऑटो को जुड़वा देता है। ऐसा वह एक ऑटो ट्रेन में बदल जाता है। अगले ही दिन से ऑटो ट्रेन को लेकर गांव में घुमाने लगता है। तभी दामोदर उसको देखता है। अरे ये गंगाधर तो बहुत चालाक निकला। मैं एक दिन में ले जाने वाले सवारियों को ये एक ही ट्रिप में ले जा रहा है। गंगाधर उस ऑटो ट्रेन से कुछ ही महीनों में 5 लाख रुपए कमा लेता है। फिर एक दिन दामोदर उसके पास आया और ऐसा बोला, यार गंगाधर मुझे माफ करो, मैंने ही प्लान करके अपने दोस्त जॉन से तुमको धोखा दिलवाया है। ये लो तुम्हारी 5 लाख। यार तुम ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा करने से ही मैं एक ऑटो ट्रेन बनाया है, तुम्हारी वजह से मैं आज खुश हूँ। उसके बाद गंगाधर और दामोदर अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे। पैसों का काल। कुछ दिन पहले भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में करण करके एक आदमी था। उसके पास एक पुराना कार था। वह उसी को चलाकर अपने बीवी और बेटे का पालन पोषण करता था। करण बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था, लेकिन उसका पुराना कार बार बार रिपेयर होकर बहुत तकलीफ दे रही थी। अरे ये कार अभी बहुत पुराना हो चुकी है, मैं इसे रिपेयर नहीं करवा सकता। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि एक नया कार खरीदूं। एक दिन अपने कार में शहर जा रहा था, तभी उसने एक घायल गाय को देखा। तुरंत वह कार रोक के, अरे इस गाय को बहुत बुरी तरह घाव है, इसको मुझे मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उस गाय को अपने कार में डालकर शहर में अस्पताल लेके गया। उस गाय को इलाज करवाया। डॉक्टर उस गाय को एक इंजेक्शन और दवा डालते हैं। गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वह गाय एक देवता के रूप में बदल जाती है। मानव, मैं एक श्राप की वजह से एक गाय बन चुकी हूँ। एक लॉरी वाले की एक्सीडेंट की वजह से मैं घायल हो गई। आपने मुझे बहुत सेवा किया, आप एक नेक इंसान हैं। बोलो आपकी क्या इच्छा है? देवता, मेरी कार बहुत पुरानी हो चुकी है, आप उसे ठीक करवा दीजिए बस। बेटा करण, मैं एक वरदान दे रही हूँ, आप इससे कुछ अच्छा ही मांग सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, बस मेरी कार को ठीक करवा दो। बेटा मैं आपकी कार को एक मनी कार में बदल डालता हूँ, और हाँ हर पौर्णमी की रात को इस कार में से पैसों की बंडल आएंगे, उससे आप खुशी से रहना। देवता ऐसी बोलते ही कार एक मनी कार में बदल जाती है। ये सारी बात करण आकर उसकी बीवी को बोला। उसने यकीन नहीं कर पाई। ये आप क्या बोल रहे हैं जी, आखिर ये बात कल ही पता चल जाएगी, क्योंकि कल ही पौर्णमी है। अगर आपकी बात सच निकली तो इस मनी कार में से नोटों के बंडल निकलना है। उस पौर्णमी की रात करण और उसकी बीवी कार के सामने ही इंतजार कर रहे थे। अचानक से आसमान से एक बहुत बड़ी रोशनी आकर कार पर पड़ती है और उस मनी कार के अंदर से ढेर सारे नोटों के बंडल बाहर आकर गिरते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अजी सुनते हो, आपकी देवता की बोली सच निकली, हम इस पैसों से एक बड़ा जमीन और घर खरीदेंगे और कुछ पैसे गांव के गरीबों को भी दे देंगे। ऐसा करण और उसका पत्नी
अमीर हो जाते हैं। हर महीने आए हुए पैसे गांव के गरीबों में बांट लेते हैं। जयपुर नाम के एक गांव में किशन चौधरी नाम का एक बहुत बड़ा धनवान रहता था। उसके पास 10 कार, नौकर, चाकर सभी थे। उसका एक बेटा था संजय। वह बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। किशन और उसकी बीवी की लाड प्यार ने संजय को बिगाड़ दिया। उसके बेटे को हमेशा तरह तरह के खिलौने लाकर देता था। पापा, मुझे एक नया मिनी ट्रैक्टर चाहिए, कल ही मुझे चाहिए। अरे बेटा, मैं कल लेकर आऊंगा, चिंता मत करो, पहले तुम इनसे खेलो। किशन सेठ के घर में लीला करके एक काम वाली भी थी। लीला का बेटा शंभू भी किशन सेठ के यहाँ काम करता था। शंभू को भी संजय के खिलौनों के साथ खेलने के लिए बहुत मन करती है। जब कोई नहीं देखता था तभी शंभू उससे खेलकर खुश हो जाता था। एक बार ऐसा ही खेल के पकड़ जाने पर संजय और किशन दोनों मिलकर शंभू को बहुत मारते हैं। अगले ही दिन, बेटा संजय, ये लो तुम्हारी नया मिनी ट्रैक्टर, एंजॉय। नए मिनी ट्रैक्टर को चलाकर संजय बहुत खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब संजय ट्रैक्टर को छोड़कर चला गया तभी शंभू उसे लेकर बाहर चला गया। ऐसा वह कहीं दूर एक जंगल में पहुंच जाता है। अरे ये क्या, मैं कहां पर पहुंच गया? ये जगह तो एक अनोखी जंगल जैसी लग रही है। और वैसे भी अभी मैं सेठ के घर वापस गया तो सभी मिलकर मुझे मारेंगे। पता नहीं चल रहा है अब मैं क्या करूं। ऐसा ही सोच रहा था कि इतने में 3 लिलीपुट वहां से जा रहे थे और शंभू को देखकर उसके सामने रुके। अरे आप लोग कौन हैं? इतने छोटे छोटे कैसे हैं? हम लिलीपुट हैं। हम लिलीपुट के देश से आए हैं। हम एक मनुष्य के खोज में निकले हैं ताकि वो हमें कुछ सहायता करे। तभी तीनों लिलीपुट शंभू और उसके मिनी ट्रैक्टर को लिलीपुट के देश लेके जाते हैं। वहां पर लिलीपुट के सरदार ने ऐसा बोला, आपको धन्यवाद। हमारे देश में हम सभी खेती पर ही निर्भर हैं और हमें खेती करने में बहुत तकलीफ है। हमारे पास गाय को चारा काटने के लिए घास काटने की मशीन भी नहीं है। इसकी वजह से हम खेती अच्छी से नहीं कर पा रहे हैं। अरे इतनी सी बात, मैं आप सबको एक तरकीब बताऊंगा, लेकिन मेरे गांव में मैं और मेरी माँ बहुत गरीब हैं। उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। दोस्त तुम घबराओ मत, हमारे पास बहुत सारा धन दौलत सोना भी है। हम आपको सब कुछ दे देंगे, बस खेती के लिए उपाय दे दो। ऐसा बोलते ही शंभू उन लिलीपुट को मिनी ट्रैक्टर से खेत जोतना सिखाता है। बहुत सोचकर उसी मिनी ट्रैक्टर से घास काटने का मशीन भी बना कर देता है। वाह दोस्त, आपने कमाल कर दिया, आपने कमाल का मशीन दिया है। इससे हम घास आसानी से काट सकते हैं। ये लो आपके लिए इनाम। वह लिलीपुट सरदार शंभू को 3 बक्सों से भरा हुआ पैसा, सोना और चांदी देता है। उसको लाकर शंभू अपने माँ को दिखाता है। तभी शंभू और उसकी माँ जाकर सेठ जी को कुछ पैसे देकर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए बोलते हैं और अपने गलती के लिए शंभू क्षमा भी मांगता है। उसके बाद माँ वहाँ पर काम भी छोड़ देती है। तब से शंभू और माँ आराम से एक नया घर में रहने लगते हैं।